मेरे दोस्त, हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम पे हम लोगों ने बात की थी जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से एनएनपी के फैक्टर पर। तो जीडीपी से जीएनपी पाने के लिए हम लोगों ने फिगर चेंज किया था कि जब जीडीपी को हम लोग मार्केट प्राइस से चेंज करके हम लोग लाते हैं जीएनपी, और ये भी किस पर होता है बेटा, मार्केट प्राइस पर होता है। तो यहां पर जो डिफरेंस निकलता है वो क्या निकलता है, एनएफआई, नेट फॉरेन इनकम। और अगर हम लोग जीएनपी से कन्वर्ट करते हैं एनएनपी, और ये भी किस पर है, मार्केट प्राइस पर है, तो यहां पर जो डिफरेंस निकलता है वो क्या निकलता है, डेप्रिसिएशन, डी मूल्यह्रास। और एनएनपी को जो हम चेंज करते हैं किस पर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही तो नेशनल इनकम है, एक्चुअल में पाना तो हमको लास्ट में यही है। तो इस पर डिफरेंस निकलता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक बात ये समझ लो कि जीडीपी से कन्वर्ट करके जब भी आप पाओगे तो क्या पाओगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर। और बाजार मूल्य किसी वस्तु को कब मिलता है, अगर ये बात करो तो याद रखो, बाजार मूल्य बराबर मार्केट प्राइस बराबर लागत मूल्य। अब लागत मूल्य में क्या क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर, लागत मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पे कर रहे हैं, जो कंपनी पे कर रही है प्रोडक्शन पर। लागत मूल्य में प्रोडक्शन कास्ट, उत्पादन की लागत है जो भी लगी है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट भी इसी लागत मूल्य में शामिल होता है। बाजार मूल्य में सिर्फ इसमें क्या शामिल कर दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर शामिल कर दिया जाता है। उस अप्रत्यक्ष कर को लगा करके क्या मिल जाता है, बाजार मूल्य। अब जब राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, हमने ही टैक्स पे किया है, वही इनकम हमको दिखा दोगे तो वो बची कहां हमारे पास, टैक्स तो हमने पे कर दिया ना अलग से। तो जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं यही वास्तव में हमारी इनकम होती है। तो फिर से अगर लागत मूल्य निकालना हो, अभी हमारे पास राष्ट्रीय आय किस पर मिली है, बाजार मूल्य पर। अगर लागत मूल्य निकालना है तो क्या होगा, प्रत्यक्ष कर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वही एनआईटी किया गया बेटा यहां पर। अब अप्रत्यक्ष कर सरकार को मिलता है और सब्सिडी हमें मिल जाती है, सब्सिडी पब्लिक की इनकम होती है। तो सब्सिडी को प्लस माइनस करने के बाद हमको क्या मिलता है, नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, निवल अप्रत्यक्ष कर। क्लियर हुआ बेटा, इतनी बात यहां तक समझ में आई, ठीक। चलो अब बात करें नेशनल इनकम पे। हमने आपसे बोला था कि अगर आपसे पूछ लेता है कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, या राष्ट्रीय आय का आकलन हम किस पर करते हैं, तो सिंपल पॉइंट याद रखो, हमेशा किस पर करते हैं, लागत मूल्य पर करते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन किस पर करते हैं, लागत मूल्य पर करते हैं, या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, लेकिन किस पर, लागत मूल्य पर। कोई फिगर इसमें लिखी जा सकती है, ये भी, या फिर ये कह दें कि ग्रॉस नेस्ट, ये निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य से क्या घटाया जाए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य से क्या घटाया जाए कि हमको राष्ट्रीय आय मिल जाए, नेशनल इनकम मिल जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या ऑप्शन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना दिया जाए, क्या घटाया जाए, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, सब्सिडी को क्या कर दो, जोड़ दो, या कुछ ना बोलो तो इतना बोल सकते हो कि अप्रत्यक्ष कर को अगर हटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। क्लियर बेटा। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन हमारे सामने किस रूप में दिए गए हैं और हमको आंसर किस में देना है। लेकिन नेशनल इनकम को सिर्फ और सिर्फ किस पर काउंट किया जाता है, तो लागत मूल्य पर काउंट किया जाता है, ठीक है। हाँ, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये तीनों मद है राष्ट्रीय आय के, लेकिन ये राष्ट्रीय आय के एक तरीके हैं, ठीक है। अब जब जीडीपी पर हम क्यों काउंट करते हैं, इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। जो भी देश
विकासशील, जो भी देश आपका विकासशील होता है उस देश में हमेशा जीडीपी ज्यादा होती है और जीएनपी क्या होती है, कम होती है। क्यों? जीडीपी से जीएनपी तो आप तब प्राप्त करते हो जब नेट फॉरेन इनकम क्या करते हो, हटाते हो, और देश जब वो विकासशील हो रहा होता है, विकसित नहीं है, विकासशील है, तो उसका एक्सपोर्ट जो होता है वो कम होता है और इंपोर्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड बैंक जो देशों की रैंक बनाता है, जो देशों की ग्रोथ रेट से डिसाइड करती है स्टेबिलिटी, तो वो काउंट करती है जीडीपी से। वर्ल्ड बैंक हमेशा किस पर काउंट करती है, जीडीपी पर काउंट करती है। लेकिन वहीं पर जो व्यापारी संगठन हमारा है, जो हमारा वित्तीय स्थिरता को देखता है, स्टेबिलिटी को देखता है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन डीसी दोनों के हेडक्वार्टर है। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो ये देखता है हमेशा जीएनपी पर, ये हमेशा किस पर देखता है, जीएनपी पर। इसका कहना है कि अगर देश की जीएनपी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी स्थिरता, उसकी आर्थिक स्थिरता दोनों ज्यादा है। तो आईएमएफ जो क्रेडिट डिसाइड करता है किसी भी देश की, वो किस पर डिसाइड करता है, जीएनपी पे। जबकि वर्ल्ड बैंक जो डिसाइड करता है किस पर डिसाइड करता है, जीडीपी पे। विकासशील देश की हमेशा जीडीपी ज्यादा होती है, जीएनपी कम होती है, क्योंकि उसका इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। कल हम लोगों ने एक फार्मूला डिस्कस किया था यहीं पे, अगर आपको याद हो, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक जीडीपी से वैल्यू कम हो जाएगी ना, और ज्यादा कब होगी, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। किसी भी देश के लिए जीएनपी का ज्यादा होना हमेशा अच्छा होता है, बहुत ही लाभप्रद होता है, लेकिन ये विकसित देशों के साथ होता है, विकासशील देशों के साथ मोस्टली ऐसा पाया नहीं जाता। दूसरी चीज, अगर आपसे कभी भी पूछ लेता है क्या किसी भी देश की जीडीपी और एनडीपी, सॉरी जीडीपी और एनडीपी बराबर हो सकते हैं, या किसी भी देश की जीडीपी एनडीपी से कम हो सकती है, यानी एनडीपी ज्यादा हो और जीडीपी क्या हो, कम हो। तो अब यहां पर देखो, यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यह क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर एक चीज समझो, जब डी को बदला किसमें, एन में, जब जीडीपी में जीएनपी यानी डोमेस्टिक से क्या हुआ, नेशनल, तो डिफरेंस क्या निकला, एनएफआई। क्लियर? यहां पर देखो, जी बदला किसमें, एन में, जब ग्रॉस बदला किसमें, नेट में, तो डिफरेंस क्या हुआ, डिप्रिसिएशन। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, कन्वर्ट क्या हो रहा है, डी डी है, पी तो रहेगा, यहां चेंज क्या हो रहा है, जी किसमें चेंज हो रहा है, एन में। तो जब जी से एन चेंज होता है तो निकलता क्या है, डिप्रिसिएशन। इसका मतलब यहां पर एनडीपी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन किससे माइनस करना पड़ेगा, हमेशा ऊपर वाले से माइनस करते हैं, तो जीडीपी से। इसका मतलब ये फार्मूला तो इसका रहा होगा, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, तभी तो ये एनडीपी आया होगा। बात समझ में आई? तो हमने इसीलिए बोला था ये फिगर हमारे लिए काम का होता है, अगर डोमेस्टिक बदले नेशनल में तो डिफरेंस हमेशा एनएफआई, और अगर ग्रॉस बदलता है नेट में तो डिफरेंस हमेशा डिप्रिसिएशन। तो यहां पर जीडीपी से क्या माइनस हो रहा है, डिप्रिसिएशन। अब आप बताओ, अगर प्रोडक्शन होगा तो जो हमारा कैपिटल है, जो हमारा कैपिटल स्टॉक है, वो उस पर कुछ भी ह्रास होगा या नहीं होगा, मूल्यह्रास तो होगा ना। वो अलग बात है कि डिप्रिसिएशन से कभी भी किसी असेट का मूल्य शून्य नहीं होता, कम होता है, शून्य के आसपास होता है, समान होता है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होता। तो जीडीपी से जब हम डिप्रिसिएशन माइनस ही माइनस करेंगे, हर वर्ष डिप्रिसिएशन होना है, तो क्या एनडीपी कभी जीडीपी के बराबर हो पाएगी, नहीं होगी। सदैव जीडीपी हमेशा जीडीपी ज्यादा होती है किससे, एनडीपी से। एनडीपी हमेशा कम होती है और जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस करने पे आता है एनडीपी। तो याद रखना, अगर पेपर में कभी भी इस तरीके से पूछ ले कि क्या किसी देश की जीडीपी एनडीपी से कम हो सकती है, क्या किसी देश का एनडीपी
जीडीपी से ज्यादा हो सकता है, तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि एलडीपी पाने के लिए हमको जीडीपी से क्या माइनस करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, मूल्यह्रास। जैसे आप कोई असेट ले लो, मशीन तो बड़ी चीज है, आप एक गाड़ी ले लो या मोबाइल ले लो, तो आज जितने का आप लाए हो, क्या नेक्स्ट ईयर या कुछ दिन बाद या दो महीने चार महीने छह महीने बाद उतने की बिक सकती है? नहीं बिक सकती। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यही वैल्यू कहलाती है कंजप्शन ऑफ असेट। इसे कहते हैं कि हमने असेट को उपभोग कर लिया है, तो जितनी वैल्यू कम हो रही है वो वही वैल्यू कम हो रही है जिसको हमने यूटिलाइज कर लिया है, यही डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन के लिए ही दूसरा एक शब्द यूज होता है कंजप्शन ऑफ असेट। ये असेट कंजप्शन है, हमने असेट को कंज्यूम कर लिया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ये होता है मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन, या घर्षणात्मक मूल्यह्रास, फ्रिक्शनल डिप्रिसिएशन। क्लियर बेटा? अब अगर बात करें आगे कि नेशनल इनकम को कितने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो जीडीपी पर हमने आपको बताया, हम लोग जीडीपी पर काउंट करते हैं। अगर कहा जाए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है, तो जीडीपी पे की जाती है। क्लियर है? ये तो पता है भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो जीडीपी पे। लेकिन अगर कहा जाए कि कितने तरीके से की जा सकती है, तो देखो कुजनेट्स है, कुजनेट्स ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो जो कुजनेट्स हैं उन्होंने नेशनल इनकम को काउंट करने के तीन तरीके बनाए हैं कि नेशनल इनकम को हम लोग तीन तरीके से काउंट कर सकते हैं। नंबर एक प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। नंबर दो इनकम मेथड, और नंबर तीन एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। अब देखो अगर प्रोडक्शन मेथड पर हम लोग बात करें, तो यहां पर हमेशा प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, उत्पादन की बात हो रही, और उत्पादन की बात हम लोग किसमें करते थे, जीडीपी में करते थे, तो ये कहां पर आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर आपको नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से काउंट करनी, तो किस पर काउंट कर लो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर, हम इसी पर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकम मेथड पर काउंट करो, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय तो वही है ना जो हर चीज माइनस करके बचती है, यानी एनएलपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको नेशनल इनकम को इनकम मेथड पर अगर काउंट करना है, तो किस पर काउंट कर सकते हैं, एनएलपी एट फैक्टर कॉस्ट पर, जबकि नेशनल इनकम को प्रोडक्शन मेथड पर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर। एक्सपेंडिचर की बात हो तो यह भी वही है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? इनकम मेथड में क्या क्या आ जाता है, तो इनकम मेथड में कई चीजें आपकी शामिल हो जाती है, वेजेस शामिल हो जाता है, रेंट शामिल हो जाता है, कॉस्ट शामिल हो जाती है, प्रॉफिट शामिल हो जाती है, जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो चीजें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। रेमिटेंस शामिल हो जाता है, डिविडेंड शामिल हो जाता है, इंटरेस्ट शामिल हो जाता है, ये सारी चीजें शामिल हो जाती है हमारी किसमें, इनकम मेथड में। तो ये हमारा होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और किसके द्वारा ये बनाया गया, तीन नियमों का, कुजनेट्स के द्वारा। क्लियर बेटा? ठीक, अगली बात समझो, जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, एनएनपी हुआ, मार्केट प्राइस हुआ, और नेशनल इनकम को तीन मेथड पे लिया गया। प्रोडक्शन मेथड पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इनकम मेथड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अब अगर बात करें, अगर पूछा जा रहा है आपसे पर्सनल इनकम, वैयक्तिक आय, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम वो है जो हम लोगों को प्राप्त होती है, या ये कहें कंप्लीट इनकम जो है, उस इनकम से अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर हटा दें, तो वो हमारी क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है, वैयक्तिक आय होती है। यानी राष्ट्रीय आय से अगर एनएनपी से, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से कॉर्पोरेशन टैक्स हटा दिया जाए, निगम कर हटा दिया जाए, तो क्या मिल जाता है हमें, पर्सनल इनकम। ये हमारी वैयक्तिक आय है। बात क्लियर, समझ में आई बात? लेकिन एक चीज और यहां पर, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोड़ दिया जाए और कहा जाए डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, या ये कहें व्यय योग्य आय, ये है व्यय योग्य आय, वो आय जिसको आप खर्च कर सकते हैं।
तो क्या जो यहां पर्सनल इनकम है यही वे इनकम हो, डिस्पोजेबल इनकम हो सकती है? भाई क्या लग रहा होगा, जब आपने पूछा कि यहां पर पर्सनल इनकम शब्द आ गया, वैयक्तिक आय शब्द आ गया, तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी जो भाई हमको मिला वो डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन नहीं, डिस्पोजेबल इनकम जब पूछा जाएगा तो आंसर होगा पर्सनल इनकम वैयक्तिक आय से माइनस होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब निगम कर तो अलग चीज हो गई। अब यहां पर क्या माइनस होगा, जो डिविडेंड वगैरह आपको मिले हुए इसमें क्या माइनस होगा, इस पर माइनस होगा आपका इनकम टैक्स। क्या माइनस होगा, इनकम टैक्स। यानी यहां पर वो चीज इनकम टैक्स माइनस होकर के आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। आयकर को हटाने के बाद जो आपके पास इनकम बचेगी उस इनकम को आप खर्च कर सकते हो, वो आपकी इनकम है। क्लियर है, ये हुआ आपका पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल। कुछ नेशनल इनकम की हम लोग फैक्ट ले लेते हैं। पर्सनल इनकम की जब हम लोगों ने बात की तो कुछ करंट का पोर्शन ले लेते हैं। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, वर्तमान में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के लिए एक फार्मूला लगता है बेटा, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई जनसंख्या। जब हम पॉपुलेशन से अपनी नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाता है, प्रति व्यक्ति आय, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। क्लियर बेटा, यानी पी बराबर एनआई बटे पॉपी। क्लियर, अब देखो अगर वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है 93,288 रुपए। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 93,288 रुपए समथिंग, या 93,000 फिगर याद रखो, 93,293 रुपए। क्लियर, 93,293 रुपए भारत की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश की एक बार बात कर लें कि उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 51,000 रुपए है। किस पर, करंट प्राइस पर, जो प्रचलित मूल्य है उस पर। और अगर स्थिर मूल्य पर बात कर लें तो 38,000 रुपए है। अब अगर बात करें भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहां की है तो आंसर होगा गोवा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहां की है बेटा, गोवा की है। गोवा की आय मैक्सिमम है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा 3,75,000 रुपए की फिगर है। 3 लाख चालू मूल्य पर 3,75,000, और हम चालू मूल्य पर 51,000 उत्तर प्रदेश, और स्थिर मूल्य पर 38,000, और भारत कितना है 93,293 रुपए ये प्रति व्यक्ति आय है। अब जब प्रति व्यक्ति आय की हम लोगों ने बात की है तो थोड़ा एक फैक्ट प्रति व्यक्ति आय का और लेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1863 में की गई, स्वतंत्रता से पूर्व 1863। किसने की, तो दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। और इन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये किताब लिखी थी दादा भाई नरोजी ने। 1931 और 32 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना साइंटिफिक मेथड से राव के द्वारा की गई,
1949 में पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का अध्यक्ष बनाया गया, एक काम केंद्रीय सांख्यिकी समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष बनाया गया, और इनकी सिफारिश पर 1955 में सीएसओ बना, इन्हीं की सिफारिश पर 1955 में सीएसओ बना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, क्लियर। और इसके प्रथम चेयरमैन भी कौन बने, तो पीसी महालनोबिस बने। पीसी महालनोबिस की डेट बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है 29 जून, क्लियर। इसी डेट को सांख्यिकी दिवस के रूप में भारत में, क्लियर। तो अभी बात की तो समझो, 29 जून को इनके सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पीसी महालनोबिस का बर्थ डेट है, जन्मदिन है, और इसी की इन्हीं के सम्मान में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के जनक कहे जाते हैं दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने जब 1863 में पर कैपिटा इनकम काउंट की थी, जब राष्ट्रीय आय काउंट की तो पर कैपिटा इनकम काउंट की, तो पर कैपिटा इनकम थी भारत की 20 रुपए, जो कि अब हो गई है 93,000 रुपए, क्लियर बेटा। ये बात हुई आपके नेशनल इनकम पे कुछ फैक्ट की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, वो इनके क्वेश्चन आंसर होंगे, और इसी के साथ में इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे आपके पॉवर्टी के, ठीक है, गरीबी के, निर्धनता उन्मूलन के, इनके क्वेश्चन आंसर हम लोग डालेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है बेटा, तो क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।